अस्सलाम वालेकुम। मैं सब मेंबर्स को ये कहती तो रहती हूँ कि पहले ख़ुद ब्रांड एम्बेसडर बने और अपने लिए प्रोडक्ट्स ख़रीदना शुरू करें। जब आप ख़ुद यूज़ करेंगे तो दूसरे आपसे पूछेंगे या आपके घर में देखेंगे तो वो ज़रूर आपसे पूछेंगे कि आप किस कंपनी के कॉस्मेटिक्स, लोशन या स्किन केयरिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आज फैसला किया कि मैं ज़रा अपने घर का भी आप लोगों को बताऊं कि क्या हम मेरे घर में ओरिफ्लेम से मुतल्लिक क्या क्या यूज़ हो रहा है। तो ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, इस पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने घर वालों के हिसाब से मैंने चीज़ों को ख़रीदा भी है और हम उनको यूज़ भी कर रहे हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो भी मेरी डेली रूटीन की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं ओरिफ्लेम से ही ले रही हूँ। मुझे तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं ओरिफ्लेम के साथ और बहुत सी प्रोडक्ट्स यूज़ की, ख़त्म भी हुई, लेकिन आज जो कुछ अवेलेबल था मेरे पास, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि मैंने सारी चीज़ें निकाल के सामने रखी हैं अपनी तरफ से। मेरी दो बेटियाँ भी हैं और वो भी बड़ी शौकीन हैं प्रोडक्ट्स मंगवाने की और हम यूज़ करते हैं उससे। इसमें आप देख सकते हैं कि एक फैमिली के हिसाब से और मेरे अपने हिसाब से मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो डेली रूटीन की यूज़ करने के लिए, इसमें परफ्यूम्स भी हैं, मेरा मेकअप की चीज़ें भी पाई जाती हैं और ये मुझे इनका बहुत पसंद है। ये जो फुट क्रीम है, पहले ये स्क्रब आता था, आजकल दोबारा आएगा। उसके बाद आप को मैं अपना, मतलब ये तो ड्रेसिंग टेबल हो गया, लेट्स मूव टू दी वॉशरूम। वॉशरूम में क्या क्या यूज़ हो रहा है? हर एक की हमारे घर में अलग पसंद है। बच्चों के लिए, चूंकि मुझे तो डैंड्रफ है तो मैं एंटी डैंड्रफ जो सा है ये हेयर एक्स का पहले यूज़ कर रही थी। इस दफ़ा जब ये नया आया है तो इसको भी मैंने इस्तेमाल में लाई हूँ। इससे अगर ख़ारिश में इचिंग, सॉरी सर में कोई इचिंग हो रही है, ख़ारिश हो रही है, तो उसमें ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आ रहा है। फिर मेरे बच्चे जो उनसे हैं वो नहाते अच्छे तरीके से नहीं हैं, लेकिन जब से मैंने इसको एडप्ट किया अपने वॉशरूम में तो बड़े शौक से बैठ के मल मल के नहाते रहते हैं। और ये वाला शैम्पू भी मैंने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मंगवाया था कि ऑल हेयर टाइप्स के लिए है, इसका भी बड़ा अच्छा है कि बाल बड़े अच्छे साफ करता है। फिर बच्चों को ये जो लवर नेचर का जो नारियल वाला शैम्पू है, इसका रिजल्ट्स बड़ा अच्छा रहा। बालों को सॉफ्ट भी करता है और 3 दिन तक बाल जो उनसे ना बड़े फ्लफी से नज़र आते हैं। ये मिस्टिक शावर जेल है, ये मैं पहले तो उन्हें कहती हूँ कि नहा लो बच्चों को या खुद भी, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा लेके इससे अच्छी बड़ी खुशबू आती है और फोम भी इसकी बहुत अच्छी बनती है, बड़ा मज़ा आता है। ये मेरी अपनी स्किन टाइप के हिसाब से जो सा मैंने ये रखा हुआ है, ये मुझे मिला तो उसमें वेलकम गिफ्ट में था और इसकी बड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है। मैं दिन में 2 दफ़ा इससे फेस धो लेती हूँ अपना। फिर ये बहुत अच्छा है जो ऑलिव वाला है, इससे स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। उसी तरह से कि आप पहले नहाएं, चूंकि सर्दियां हैं तो खुश्की कुछ ज़्यादा हो जाती है और जिनको खूब मल मल के नहाने का शौक़ होता है वो उनकी स्किन पे काफ़ी वो ड्राइनेस आ जाती है। तो उसके बाद अगर आप ये थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं तो इट गिव्स परफेक्ट सॉफ्ट सिल्की टच टू योर स्किन। ये मुझे बहुत पसंद है, मिल्क एंड हनी का जो शुगर स्क्रब है, अपने लिए भी और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे और जो लोग मुसलसल गर्मी में काम कर रहे होते हैं या पसीना आ रहा होता है, अगर वो इससे अपनी बॉडी को या अपनी कमर को स्क्रब करने में कामयाब हो जाएं तो उनके काफ़ी मसाइल जो से हैं बैक पे जो पसीने की वजह से और पोर्स की क्लॉगिंग की वजह से फिंसियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, उसमें बड़ा फाका होता है। फिर पाँव और कोहनियाँ, गर्दन जो उनसी है उनके ऊपर कोई मैल हो तो वो इससे ज़बरदस्त तरीके से साफ होना शुरू हो जाती है। और अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता चलता है कि जी पहले स्किन काफ़ी गंदी थी और अब साफ हो रही है। ये मेरे बाथरूम और ड्रेसिंग टेबल से दैट्स ऑल। मैं आप लोगों को भी इनक्रेज करूंगी कि अपनी जो उनसी हैं इस किस्म की वीडियोस बना के शेयर करें,
ताकि हमें पता चले कि एक तो एक्चुअल प्रोडक्ट नज़र आएगी, दूसरा जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं उनको अंदाज़ा होगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं।